सो टॉक अबाउट द टू स्ट्रक्चर ऑफ कंपैरेटिव डिग्री तो कंपैरेटिव डिग्री के दो स्ट्रक्चर होते हैं पहला स्ट्रक्चर क्या होता है जो हम पढ़ चुके हैं जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाते हैं तो यहाँ पे ये यह जब हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो पर्सन को कंपेयर करना हो जैसे तब जैसे हमें कह रहे हैं दिस प्लेयर इज़ बेटर देन दैट प्लेयर तो हमने क्या किया कंपैरेटिव डिग्री लगाई और उसके बाद देन लगा दिया और उसके पहले दा नहीं लगाते तो दिस प्लेयर इज़ बेटर देन दैट प्लेयर जो दो लोगों को कंपेयर किया ये सेकेंड स्ट्रक्चर होता है तो सब्जेक्ट वर्स इसमें क्या करते हैं दा लगाते हैं कंपेरेटिव डिग्री से पहले उस स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कंपेरेटिव डिग्री से दाल नहीं लगाते हैं पहले और कंपेरेटिव डिग्री के फर्स्ट स्ट्रक्चर में दैन लगाते हैं एंड दूसरे स्ट्रक्चर में हम ऑफ द टू लगाते हैं और फिर प्लर नाउन तो यहाँ पे हम तब यूज़ करते हैं जब तो हम सिलेक्शन करते हैं या दो में से एक चूज करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं दो को कंपेयर करना यहाँ पे हम दो में से एक को चूज़ करते हैं तब तो हम यूज़ करते हैं द कंपेरेटिवली ऑफ द टू जैसे एग्जाम्पल है दिस प्लेयर इज़ बेटर देन ऑफ द टू प्लेयर्स अब हमें एक प्लेयर को चुन रहे हैं तो, तो, तो दिस प्लेयर इज बटर ऑफ द टू प्लेयर्स तो हमने क्या किया कंपेरेटिव डिग्री लगाई से पहले दा लगाया एंड बाद में ऑफ दा लगाया बाद में ऑफ लगता है उसमें क्या लगता है दैन लगता है और दा भी नहीं लगता है कंपेरेटिव डिग्री से पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि कंपेरेटिव डिग्री से पहले आ, इस वाले केस में फर्स्ट डिग्री फर्स्ट वाले केस में दा लगा देंगे सेकंड सेकंड शख्स में दा नहीं लगाएंगे दैन लगा देंगे ऑफ द टू लगा देंगे तो इस तरीके से देखना है जैसे ऑफ दिल्ली इन मुंबई विच इज़ कूलेस्ट अब हमें पता है कम्पेरेटिव डिग्री लगती है एक तो आप आप क्या करो चूज करो दिल्ली और मम्मी विच इज़ और दा लगता है उससे पहले विच इज़ द कूलर विच इज़ द कूलर होगा सो क्या ऑफ दिल्ली एंड मम्मी विच इज़ द कूलर बिकॉज कंपेरेटिव क्योंकि हम दो में से एक को चूज करें तो कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे मतलब सेकेंड डिग्री विच इज़ द और दा भी लगाते हैं उसे विच इज द कूलर उसे ऑफ द टू फिल्म विच ही स्टार्ट आई थिंक द फॉर्मर वन इज़ द बेस्ट अब यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो बेस्ट तो लगेगा नहीं तो क्या लगेगा फॉर्मर वन इज़ द बेटर लगेगा बेटर ये कंपेरेटिव डिग्री यूज़ होगी क्योंकि आप दो में से एक सेलेक्ट कर रहे हो तो इसमें होगा तो फॉर्मर वन इज़ द बेटर तो जैसे सपना इज़ बेटर इज़ द बेटर देन टीना आप बेटर लगाए एंड सिंपली आप क्या कर, कर रहे हो कंपेयर कर रहे हो तो दा नहीं लगेगा दा नहीं लगता है कंपेरेटिव डिग्री से पहले जब तो आप क्या कर रहे हो एक को चूज़ कर रहे हो तो दा लगता है ऑफ द टू लगता है ऑफ द टू ऐसे इस तरीके से लगता है लेकिन यहाँ पर आप चूज़ नहीं कर रहे हो आप सपना इज़ बेटर देन टीना कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं लगता है सपना इज़ बेटर दें टी ना और सेकंड स्ट्रक्चर में दा लगता क्यों है क्योंकि यहाँ पे आप पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो जैसे आप दो में से एक सेलेक्ट करो तो उस पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हो हम दा लगाते हैं जैसे दिस प्लेयर इज अ बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स आप उस पर्सन की बात करें जो बेटर है दोनों में से तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं लगता बाद में दैन लगता है एंड सेकेंड स्ट्रक्चर में कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा लगता है एंड लास्ट में लगता है ऑफ द टू जैसे एग्जाम्पल है द प्लेयर इज बेटर देन दैट प्लेयर एंड सेकेंड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है द प्लेयर इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स इसके बाद ऑफ द टू के बाद पूरा नाउमा ऑफ द टू जैसे इसके बाद आया बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स